स्वागत है आप सभी का टेक्निकल वाई बी एन एस पर। आज हम एक बोर्ड की वायरिंग करने वाले हैं। इसका हम स्विच सब लगा दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक होल कर दिए हैं फ़ैन के रेगुलेटर के लिए। बोर्ड हम तैयार कर दिए थे, रेडीमेड भी मिलता है और एक एक आप लेकर अलग से भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे सब अलग से लगाए हैं, वायर ले लिए हैं, रेगुलेटर ले लिए हैं। ये है रेगुलेटर, रेगुलेटर को पूरा हम खोल दिए हैं, डायरेक्ट लगाने वाले हैं, सब उसका बॉडी नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे जोड़ने के लिए वायर ले लिए हैं, स्विच में जोड़ने के लिए इसको यहाँ से छील लिए हैं, ऐसे एकदम छोटा छोटा कट पीस लगाने से अच्छा यही रहता है। इसको हम लगा ले रहे हैं। ये लग चुका है, ये एक्स्ट्रा वायर को हम काट देंगे। ये यहाँ पे एक इंडिकेटर में दे देंगे हम। ये अब मेन लाइन हो जाएगा, देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। एक पॉजिटिव वायर ले लिया है, इसको हम यहाँ पे फ्यूज में देंगे। पहले फ्यूज में आएगा, उसके बाद जाएगा फ्यूज और इंडिकेटर में, बस डायरेक्ट रहता है। यहाँ पे कर दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, देख सकते हैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम दे दिए हैं, यहाँ पे 3 पिन में दे दिए हैं। स्विच से एक कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम फैन रेगुलेटर को लगा दे रहे हैं। छोटे से होल में लगा के इसको हम कस देंगे। इधर से नट लगा के कस देंगे। ये पीछे वाला ढक्कन हमने लगा दिया था ताकि कोई वायर इसमें शॉर्ट सर्किट ना करे। यहाँ पे आगे से हम लगा दिए हैं इसका मीटर। मैं मार्क कर देंगे जहाँ पे 0 रहेगा ताकि पता चले। मार्क हो गया है। उसके बाद ये मेन लाइन, ये 3 पिन में, और यहाँ पे ये नेगेटिव, इसमें सारा स्विच में। अब यहाँ से पॉजिटिव और एक यहाँ से नेगेटिव ले लेना है। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव अगर देना है तो ध्यान रहे फ्यूज के बाद ही लेंगे, फ्यूज से पहले नहीं लेंगे। ये है एक फैन का इनपुट में और एक आउटपुट में हो जाएगा, मतलब दो वायर में, एक वायर में फैन साइड और एक मेन एसी करंट में। ये फ्यूजेस में हम फ्यूज डाल देंगे पतला वाला वायर। थैंक्स फॉर वाचिंग।